नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। गजब का फ्रॉड, पाउडर के बदले 5 लाख के गहने। सावधान हो जाएं, कहीं आप भी ना हो जाएं ठगी का शिकार। पीतल तांबा की सफाई के नाम पर महिला से ठगी। शातिर ठगों ने जेवरात पर किया हाथ साफ, 5 लाख रुपए के गहने उड़ाए। महिला के हथेली पर सफेद पाउडर रख वारदात को दिया अंजाम। 2 बाइक सवार ठग CCTV में कैद। उभाव थाना अंतर्गत फरसाटार ग्राम सभा की घटना। खबर जनपद बलिया से। महिला की माने तो इनके साथ गजब का फ्रॉड हुआ है। पाउडर के बदले 5 लाख के गहने को ठगों ने उड़ा लिया है। ठगी के शिकार महिला ने बताया ठगी की पूरी कहानी। गांव क्या हुआ है, कल कोई घटना हुई आपके यहाँ? हाँ, दो लड़के आए, बोले कि हम लोग सब साफ करने वाला सामान बेचते हैं, ये देख लीजिए। तो हम कहा ठीक है, बैठ गए। उसके बर्तन दिए, साफ किए, उसके बाद पाउडर टाइप कुछ हाथ पर रखे, बोले कि आपका हाथ ठंडा हो रहा है। हम कहा जी, कंगन सोने का है। हम कहा जी, उसके बाद पता नहीं कैसे कंगन रखे, सब उतार लिए। अंगूठी थी, कंगन था, कह रहे थे हम गैस पर रख के इसको हम कर दे रहे हैं। हमारे ससुराल में फंक्शन था, उसी में कंगन अंगूठी हम पहने थे जी। क्या किचन तक गए सब, हमको कुछ समझ में आया कि कैसे का किए का नहीं। किचन तक आप भी साथ आई थी? साथ गए थे हम भी, हमको पता ही नहीं कि कंगन कहाँ रखे के थे, का किए कुछ समझ में आया। घर तो कोई था नहीं। अच्छा, आपके घर में कोई मर्द वगैरह कोई नहीं था? लड़के उड़के आपके? आदमी की तबीयत खराब थी, मैं गए थे डॉक्टर के लिए, लड़का भी गया था और कोई भी नहीं था। 25 सवा पढ़ाए था, उधर थी सब, हम अकेले थे। तो आपको इसका पता कब चला कि मेरा कंगन गायब हो गया या मेरे साथ जालसाजी की गई है? हमको कुछ पता ही नहीं, 20 मिनट के बाद हमने कहा चूल्हा पर बर्तन रखा है, खोल के देख रहे तो उसमें कुछ है ही नहीं है। कुछ भी नहीं था उसमें? कुछ भी नहीं था। तो फिर इसके लिए फिर आपने क्या किया फिर बाद में, जैसे आपको पता चला कि मेरा कंगन गायब हो गया है जालसाजों द्वारा लेके यहाँ से, तो फिर क्या किया? नहीं, नहीं, फिर जब बच्चे रात में आए तो थाने पर तहरीर दे दिए। थाने पर तहरीर दी आपने? थाने पर। आपने सुना, दो युवक पीतल तांबे की सफाई के नाम पर महिला के हाथ पर पाउडर नुमा कोई पदार्थ रख देते हैं और पूछते हैं हाथ ठंडा हुआ। इतने में उस महिला का सभी जेवर उतार लिए और जब उसको पता चला 20 मिनट गुजर चुके थे, तब तक दोनों ठग फरार हो गए। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर है जिसे घटना का CCTV फुटेज बताया जा रहा है। तस्वीरों में दो युवक मोटरसाइकिल से जाते दिखाई दे रहे हैं। महिला ने घटना की सूचना उभाव थाने पर दे दी है। तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने अब तक FIR दर्ज नहीं की है। भारत मीडिया के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए बलिया पुलिस ने लिखा कि प्रकरण संज्ञान में है, जांच व आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।